जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी है और आज के दिन से शुरू करना है, आज से कर सकते हैं और 3 दिन तक यानी थर्सडे से भी आप शुरू कर सकते हैं। आज फुल मून है और ये जो महीना है अगस्त का महीना है, इसमें 2 पूर्णमासी आ रही है यानी 2 फुल मून है, तो ये महीना बहुत पावरफुल है और साथ में इन्फिनिटी 8-8 भी आ रहा है। 8 अगस्त, 8वां महीना, 8वीं तारीख, तो बहुत ही पावरफुल मंथ रहने वाला है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, किस्मत को अगर पलटना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसको हम कैसे ड्रेन करें, उसको कैसे एग्जिट करें? देखिए, जब फुल मून होता है तो एक बहुत ज़बरदस्त ना मैग्नेट फोर्स होता है इसके अंदर, और इसी के साथ में ना पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हैं या पॉजिटिविटी को फोकस कर रहे हैं। अगर नेगेटिविटी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट फोर्स है, बहुत ज़बरदस्त फोर्स है, होती है फुल मून वाले दिन, कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, इस पीरियड के अंदर अगर हम करते हैं और गुड फीलिंग के साथ में, पॉजिटिव फीलिंग के साथ में, कि वो चीज़ हमारे को प्राप्त हो गई है, हमारी लाइफ के अंदर चेंज आ गया है, तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त जो है फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर से आ रही है, तो वो हमारी, और क्या है, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जो भी आपके मन के अंदर है, नेगेटिव चीज़ें हैं, दुख है, तकलीफ है, तो उसको ड्रेन करिए, अपने मन ही मन के अंदर बोलिए रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करिए। इसी के साथ में आपने क्या करना है, आज भी कर सकते हैं आप, कल भी कर सकते हैं और परसों भी कर सकते हैं, यानी 3 दिन आपके पास में है, जिस समय जो है बहुत ज़बरदस्त मैग्नेट फोर्स रहने वाली है, हायर फ्रिक्वेंसी रहने वाली है, तो जब हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर प्राप्त हो जाएंगी। तो करना क्या है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, रात को 9 बजे करना है, आपने आज रात को 9 बजे करना है, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर 1 चांदी का सिक्का डाला, चांदी का सिक्का डालने के बाद में उसको चांद की रोशनी के अंदर आपने रख दिया। बेशक आप जाली का कुछ है आपके पास में तो उसको ढक सकते हैं, मगर पूरा कवर मत करिएगा उसके अंदर, क्योंकि रेस जानी चाहिए, जाली का कुछ भी आप रख सकते हैं उसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, चांद को कंटिन्यू देखना है, और चांद को देखने के बाद में अपने हाथों को रब करने के बाद में आपने आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना है। उसके बाद में हमारे को क्या चाहिए, एक बहुत सुंदर सी डायरी, अगर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, और एक आपने रेड कलर का पेन लेना है। अब आपकी जो भी विश है, आपने घर खरीदना है, आपने जॉब को देखना है, आपने बिजनेस को राइज करना है, वो आपने 11 बारी लिखनी है रेड पेन से, चांद की रोशनी के अंदर ही लिखना है। और जिस समय आप लिख रहे हैं तो वैसी ही फीलिंग लेकर के आइएगा कि मेरे जो भी काम है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। जैसे अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं और जब हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें हैप्पी होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो उसी तरीके से आपने गुड फीलिंग के साथ में वो लिखना है और वैसा ही फील करना है। अब ये करना कब तक है, आपने ये आपने आज से शुरू करके, अगर आज लेट वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको लेट वीडियो मिल रहे हैं, तो आप कल से भी कर सकते हैं, परसों से भी कर सकते हैं। अब आपने 31st तक यानी फुल मून तक, 31st अगस्त तक आपने कंटिन्यू जो भी आपकी एक विश है उसको 11 बार रोज़ाना लिखना है। अब उस डायरी को आपने कहाँ रखना है, उस डायरी को आपने अपने तकिए के नीचे रखना है, तकिए के नीचे रखना है जब लिखा आपने। अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगा, आज तो देखिए फुल मून है तो आप तो आज तो आपने 9 बजे लिखना है। अब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो सोने से पहले आपने बेड पर ही आपने जो भी आपका मनोकामना है वो लिख लिया। अब आप कहेंगे कि कितनी मनोकामना लिख सकते हैं, कोशिश क्या है, जब हम एक मनोकामना के ऊपर फोकस रहते हैं तो यूनिवर्स उस
फोकस के ऊपर उस मनोकामना को पूर्ण करने की पूरी फोर्स लगा देता है। और जब हम तीन चार मनोकामना लिखते हैं ना, आप हर एक अपनी अपनी एक मनोकामना लिख लीजिएगा। अच्छा, वो जो पानी का ग्लास था जिसमें चांदी का सिक्का डाला था, अगले दिन आप घर के सब मेंबर पी भी सकते हैं। उस पानी से घर की छींटे भी आप लगाइए, उससे क्या है घर में शांति मिलेगी। और जब उस पानी को पियेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, और जब हमारा मन शांत होगा तो हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, और कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, आई एम यूनिक। आप एक यूनिक पर्सन है, आई एम यूनिक। जब आप ये लिखेंगे कि मैं एक बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ, आई एम यूनिक, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है तो आप एक यूनिक है, आपके पास में बहुत पावर है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में ही लिखना भूलिएगा नहीं कि कमेंट्स में लिखिए आई एम यूनिक। जय श्री राम।